हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में हम बहुत छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं जिससे हम अपने पितृ को प्रसन्न कर सकें। और कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसको ज़रूर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जो पितृपक्ष की अमावस्या आएगी उसके पहले या फिर कम से कम पितृपक्ष की अमावस्या को आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है पितृपक्ष। और ये छोटा सा आसान सा उपाय करके आप अपने एक तो जीवन से पितृदोष को दूर कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो भी पाप लगा है पूर्वजों के निमित्त, अगर कोई दोष हुआ है तो 7 पुष्ट तक के पितृपक्ष के जो पितृ के जो जो भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पितृगण नाराज होते हैं तो जीवन में कठिनाइयां आती रहती है। चाहे कितना पूजा पाठ कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, पर लगता है कि हर काम में बाधा आती ही आती है, हर सुख में कठिनाई आती है, हर समय धन संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। और इन सभी से बचने के लिए आपको इस पितृपक्ष के पूर्ण होने के पहले रोटी से उपाय जरूर कर लेना है। पितृ को खुश करने के लिए आप अमावस्या के दिन चावल की खीर बना करके उसमें रोटी चूर करके आप कौओं को भी खिलाते हैं तो ये भी बहुत शुभ होता है। रोटी का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि भूख मिटाती है, बल्कि रोटी भूख मिटाने के अलावा आपके पितृ दोष को दूर करती है, आपके जीवन में लगे हुए ग्रहण को, आपके जो सोया हुआ भाग्य है उसको जगा सकती है, आपकी खुशियों पर ग्रहण लग गया है उसको हटा सकती है, आपके आपके भाग्य पर ग्रहण लग गया है उसको मिटा सकती है, आपके जीवन से ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, सभी को दूर करती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के इन गुणों को नहीं जानते हैं, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए आज देख लेती हूँ, बता देती हूँ आपको कि इस पितृपक्ष में किस प्रकार से आपको रोटी का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि रोटी आपकी सोई हुई किस्मत को भी चमका देती है। कोई भूखा व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आ जाए तो इस पितृपक्ष के दौरान आपको ध्यान रखना है, किसी को भूखा नहीं जाने देना है, रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए। और विष्णु पुराण के 3rd अंश के 12वें अध्याय में बतलाया गया है कि इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है और मनुष्य को परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में आज से नहीं, हमेशा से जीवों की सेवा करना, जीव सेवा परम धर्म, ये बतलाया गया है। और साथ ही गाय हो, कौआ हो, कुत्ता हो, चींटी हो, सांप हो, इस प्रकार के जो खास पशु पक्षी हैं इनको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। समय समय पर इनके पूजन करने का विधान भी बताया गया है। खासकर जब पितृ की बात आती है तो कुत्ता, गाय, कौआ, चींटी, चौराहा, इन जगहों पर, इन स्थानों पर पितृ का वास बतलाया गया है। और इन जगहों पर आप उपाय करते हैं, इनसे संबंधित आप उपाय करते हैं तो इससे आपके पितृगण प्रसन्न होते हैं, धन की परेशानियां आदि जो भी बाधाएं आती है जीवन में वो दूर होती है। हर वक्त हर जगह पूर्वजों द्वारा बतलाया गया है। सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय की, पहली घर घर में हर कोई जानता है इस बात को कि पहली रोटी गाय की निकालनी ही चाहिए। लेकिन विधान क्या होता है, पहली रोटी गाय की निकालते हैं इसके 4 टुकड़े आपको करने चाहिए। कैसे पहली रोटी गाय की होती है, इसके 4 टुकड़े कीजिए और पहला टुकड़ा गाय का, दूसरा टुकड़ा काले कुत्ते का, तीसरा टुकड़ा कौवे का छत पर रखना चाहिए और चौथा टुकड़ा घर के पास किसी चौराहे पर रखना चाहिए। क्यों, ये सब क्यों करना चाहिए? दोस्तों, जब घर में भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, ये निकालते हैं। लेकिन इसमें से 3 ग्रास आपको निकालने चाहिए। 3 ग्रास होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, जिन्हें हमें गाय, कौवे और कुत्ते को खिलाना पड़ता है। जब कुत्ते की बात करते हैं तो शनि, राहु और केतु का वास इसमें माना गया है, भैरव का वास माना गया है। और शनि, राहु, केतु, भैरव, ये सभी पाप ग्रह कहलाते हैं। इनकी दशा जिसको लग जाए वो कष्टकारी हो जाता है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अनुकूल बनाकर शुभ फल पाने का सबसे आसान तरीका होता है रोटी का, साथ ही साथ आपको पितृ दोष को भी दूर करता है। काला कुत्ता नहीं हो तो दरंगा या अन्य रंग के कुत्तों को भी रोटी खिलाई जा सकती है। घर में कोई छोटा बच्चा है, नज़र लग गया, ठीक से खाना नहीं खा रहा, तो रोटी से नज़र दोष की परेशानी दूर होती है। एक रोटी ले लीजिए, उस पर गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए और इसको लपेट कर बच्चे के ऊपर से 3 बार घुमा करके गुड़ सहित रोटी आपको कुत्ते को खिला देनी चाहिए। नजर दोष हो, जादू टोना हो, भूत प्रेत का मामला हो, पितृ दोष हो, सभी केतु ग्रह से संबंधित भी माने जाते हैं। और कुत्ते का संबंध केतु से होने के कारण कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे बेस्ट माना गया है।
दोस्तों कुत्ता रहस्यमयी होता है, वफादार तो होता है, साथ में रहस्यमयी होता है, और कहते हैं कि बहुत तरह के खतरों को आने के पहले ही भांप लेता है। एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को, सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि जब पितृपक्ष आता है तो ये हमें बताता है कि हमारे पितृ हमारे सामने खड़े हैं। बहुत किलोमीटर तक की गंध को सूंघ सकता है और इसे यम का दूत भी कहा जाता है। और कुत्ते को प्रसन्न रखने से वो आपके आसपास जो बुरी आत्माएं होती है या यमदूत होते हैं, इनको फटकने भी नहीं देता। कुत्ते को देखते ही आत्माएं दूर भाग जाती है। इसीलिए जब श्राद्ध पक्ष आदि का काम करते हैं तो कहते हैं ना कि कुत्ते को अलग बांध दो, कभी भी कुत्ता सामने नहीं होना चाहिए जब आप पितृ का अपना भोजन निकाल रहे होते हैं, लेकिन बाद में उसको भोजन ज़रूर देना चाहिए। और ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है। श्वान यानी कुत्ता, जो विनाश के लिए आते हैं, और कुत्ते को भोजन देने से इसीलिए कहा जाता है काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर तरह के आकस्मिक संकट से भक्त की रक्षा भैरव के रूप में वो करते हैं। और प्राचीन और मध्य काल में भी कुत्ता लोग अपने लिए इसलिए रखते थे कि जंगली जानवर हो, लुटेरे हो, भूत आदि से बच सके। बंजारा जाति है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग कुत्ते को पालते हैं जंगल के जो भी खतरे होते हैं उससे सतर्क रहने के लिए। और आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि घर में चोरों से रक्षा हो सके, और कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है, और इसलिए कोई भी कुत्ता जो लोग भी रखते हैं डॉग को अपने घर पे, उनको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। किसी से पूछ ले, ग्रहों के अनुकूल हो तो ही आपको डॉग रखना चाहिए, क्योंकि एक कुत्ता क्या होता है, राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की शक्ति रखता है। दोस्तों श्वान से जुड़े बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट यही होता है जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृ का साक्षात निवास कुत्ते के अंदर माना गया है, इसलिए इसको भोजन आपको देना चाहिए। कुत्ते को प्रतिदिन आपको भोजन देना ही चाहिए पितृपक्ष में। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो अभी दे दीजिए, एक रोटी आपको कुत्ते को ज़रूर खिलानी चाहिए। इसी तरह से कुत्ते के साथ साथ कौवे को भी पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। कहता है दूसरा जन्म लेने के पहले आत्माएँ कौवे के रूप में कोख के लिए इंतज़ार करती है। अतिथि आगमन का सूचक होता है, पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। और भादो माह के महीने में 16 दिन तक कौवा हर घर की छत पर मेहमान के रूप में विराजमान रहता है। श्राद्ध पक्ष होते हैं और कौवे और पीपल के वृक्ष को, दोनों को ही पितृ का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दौरान आपको कौवे को खाना खिला करके, पीपल को पानी पिला करके पितृ को तृप्त जरूर करना चाहिए। विष्णु पुराण में श्राद्ध पक्ष में भक्ति और विनम्रता पूर्वक यथाशक्ति कौवे को भोजन कराने की बात कही गई है, और कौवे को पितृ का प्रतीक मान करके 16 दिन तक श्राद्ध के अगर आप भोजन करा सके रोज, बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम अमावस्या तिथि को ज़रूर कराएं। इससे कहा जाता है कौवे के रूप में हमारे पूर्वज ही भोजन करते हैं, और हर तरह के पितृ दोष हो, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी हो आपकी कुंडली में, तो भी वो दूर हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान जो आत्मा होती है वह कौवे के शरीर में ही स्थित होकर विचरण कर सकती है। इसलिए कौवों को भोजन करा के आप अपने पितृ की शांति कर सकते हैं। और घर की मुंडेर पर जब कौवा बोलता है पितृपक्ष में तो समझ जाइए कि आपके पितृ आपको आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाओ काओ काओ काओ, आ जाओ भोजन करा दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक रोटी आपको ज़रूर खिलाना चाहिए दोस्तों कौवे को भोजन कराना। इस प्रकार से पितृपक्ष में आपके जीवन से सभी प्रकार के अनिष्ट को, शत्रुओं को नाश करेगा। और कहते हैं कि ये पक्षी जो होता है कौवा, ये एक बार इसने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है और ना ही वृद्धावस्था से इसकी मृत्यु होती है, बस आकस्मिक मौत होती है। दोस्तों ये तो हुआ दूसरी रोटी, आपको दूसरा टुकड़ा जो है वो कौवे को खिलाना चाहिए। बात कर लेते तीसरी रोटी या तीसरी रोटी के टुकड़े की, और यह आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गौ माता में सभी देवी देवता पितृ सभी का निवास माना गया है, और इनको किसी भी रूप में गौ माता को सताना महापाप कहलाता है। इनकी हत्या करना तो नरक के द्वार खोलने के समान है, कई जन्मों तक के दुख भोगने पड़ते हैं। और वैज्ञानिक भी कहते हैं गौ एक मात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ती है, जबकि मनुष्य सहित जितने भी प्राणी होते हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे में इसका उल्टा होता है, दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं। और गौ माता वो देवी है जो आपको वैतरणी पार कराती है।
देवताओं का निवास है और अथर्ववेद में कहा भी गया है, धेनु सदा नाम रई नाम, अर्थात गाय समृद्धि के मूल स्रोत हैं और जिस घर में गौ की सेवा होती है, गाय समृद्धि और प्रचुरता की द्योतक है, सृष्टि के पोषण का स्रोत है, जननी है और इनके दूध से ही हम सब बड़े हुए हैं, गोबर से ईंधन खाद मिलती है, इनके मूत्र से दवाई और उर्वरक बनते हैं, इसलिए पूजनीय ही नहीं है बल्कि महापूजनीय और साक्षात पितृ इनमें निवास करते हैं। 84 लाख योनियों का सफ़र करने के बाद कहते हैं हमारे पितर की अंतिम योनि के रूप में गाय ही बनते हैं और गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहाँ पितर की आत्मा विश्राम करके यहीं से अपनी यात्रा शुरू करती है। इसलिए जब भी पितृपक्ष आए आपको अपने पितृपक्ष में गऊ माता आपके सामने से ऐसे ही नहीं गुजरनी चाहिए, आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए तो समझ जाएं आपके पितर आ गए हैं और नहीं भी तो आपको गौशाला आदि में जा करके गऊ माता को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। रोज़ नहीं भी कर सकते, कम से कम अमावस्या को जाइए या पितृपक्ष में किसी भी एक दिन जा करके आप इनकी सेवा ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार से चींटियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और चींटियाँ बहुत मेहनती एकता का प्रतीक होती है। कहा जाता है कि चींटियों के बारे में कि ये आपस में बातचीत करती है, नगर बनाती है, भंडारण की समुचित व्यवस्था करना जानती है और हमारे इंजीनियर से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है चींटियाँ, और चींटियों का नेटवर्क दुनिया के अन्य नेटवर्क से बहुत बहुत बेहतर होता है, ये मिलकर एक पहाड़ तक को काटने की क्षमता रखती है। दोस्तों चींटियाँ खुद के वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन तक उठाती है और अगर आसपास जो भी मरे हुए छोटे छोटे जीव होते हैं इनको खाकर उन्हें समाप्त करती है, गंदगी को दूर करती है, उनके द्वारा हो सकने वाली बीमारी के भय के कारण उनको ख़त्म कर देती है। दोस्तों इसलिए चींटियों को भोजन ज़रूर देना चाहिए और कहा जाता है पितृ भी किसी न किसी रूप में चींटियों की तरह विराजमान रहते हैं, प्राचीन काल से ही इसीलिए पितृ को भोजन देने के रूप में चींटियों को आटा डालने की परंपरा बनाई गई है। हज़ारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वो चींटियां, पता है आपको, जो इंसान चींटियों को भोजन देता है या आटा देता है उसको चींटियां पहचानने लगती है और उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती है और उसको दुआ भी देने लगती है। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है और इस तरह से कहा जाता है कि अगर लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडा दबाए हुए निकलते देख लीजिए तो आपका सारा दिन शुभ माना जाता है। बहुत सारे शगुन और अपशगुन भी होते हैं, ये किसी और समय बताऊंगी आप सभी को डिटेल में, लेकिन ध्यान रखिए जो चींटी को इस पितृपक्ष में आटा देता है या रोटी देता है, छोटी छोटी चींटियों को चावल देते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं, उनके पितृ शांत होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों इस पितृपक्ष के पूरा होने के पहले या पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि आएगी उस दिन आपको जब भी आप अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाएं तो सबसे पहले वाली रोटी को अलग रख दीजिए। ध्यान रखना है रोटी थोड़ी बड़ी बनानी है ताकि इसके 4 टुकड़े हो सके और रोटी के 4 टुकड़े करके चारों टुकड़ों पर थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दीजिए। अब इनमें से पहले टुकड़े को गाय को खिलाएं, अपनी समस्या और मुक्ति से प्रार्थना करें और गाय की 7 परिक्रमा करें, दूसरा टुकड़े को कुत्ते को खिला दीजिए, तीसरा टुकड़ा कौवे को खिला दीजिए, आखिरी जो चौथा रोटी का टुकड़ा है इसको अपने घर में आए हुए भिक्षुक या फिर किसी मंदिर या चौरस्ते पर रखाइए। इस प्रकार से उपाय करने से सभी प्रकार की समस्याएं आपकी खत्म होगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, घर से सभी प्रकार की पीड़ा दूर होगी और श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आने लगेगी, कर्ज समाप्त होंगे, दुश्मन आपके दूर रहेंगे, व्यापार हो नौकरी हो सभी में लाभ की प्राप्ति होगी और कहा जाता है 7 पुष्टों तक के पितृदोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों कर लीजिए उपाय, पितृपक्ष पूरा होने से पहले इन 3-4 जीवों को आप जरूर खिला दें एक रोटी और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की समस्याएं दूर होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो लोग भी लगता है बहुत भुगत रहे हैं परेशानियां, जिनका पीछा नहीं छोड़ती, काम धंधा रोजगार सब जा चुका है, तबाह हो चुके हैं और हर प्रकार की पूजा पाठ करके हार चुके हैं, तो उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसके जीवन को बदल के रख दे। आज के लिए इतना ही, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, नवरात्रों का आगाज हो चुका है, माता रानी आने वाली है, घर घर ढाक बजेगा दोस्तों और पाँव नाचेंगे ताल पर, गरबा के डांडिये के ताल पर। तो दोस्तों कर लीजिए तैयारियां, माँ से ध्यान लगाना है, माँ में रम जाना है और माता के आगमन की तैयारियां सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। मैंने 2-3 वीडियो शेयर कर दिए किस प्रकार से 9 दिन की साधना
करनी है। ध्यान रखें, 9 दिन अलग अलग साधना करें और किस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं लक्ष्मी कारक चीज़ें, वो आपको नवरात्र शुरू होने के पहले अपने घर पे मंगवा लीजिए, ताकि इस बार नवरात्र पे मैं आगे साधना विधि बताऊंगी, उन पर उनको रख करके उन पर मंत्रों का जब बताऊंगी तो वो आप ज़रूर कर पाएँ और माता लक्ष्मी का आगमन सदा के लिए अपने घर पर उनको सदा के रूप में विराजित कर सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम भोलेनाथ की।